नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम सचिन, आप देख रहे हो सच कार टेक्नोलॉजी। आज के इस नए वीडियो में मैं आपसे बात करने वाले एक सुजुकी स्विफ्ट जो कि डीजल वर्जन, इस कार का हम लोग करने वाले आज टाइमिंग चेंज रिप्लेस। कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से इस कार का टाइमिंग चेंज 100,000 किलोमीटर पर रिप्लेस होता है, उस हिसाब से हम लोग इसका टाइमिंग चेंज रिप्लेस करने वाले हैं। टाइमिंग चेंज रिप्लेस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से पार्ट इसमें रिप्लेस होते हैं, ये आप सब आपको दिखाने वाले हैं। इस कार का पहला भी टाइमिंग चेंज हम लोग 100,000 किलोमीटर पे रिप्लेस कर चुके थे, अभी सेकंड टाइम ये 200,000 के ऊपर चल चुकी है गाड़ी, तो हम लोग इसका टाइमिंग चेंज रिप्लेस कर रहे हैं। दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरे सुजुकी स्विफ्ट डीजल वर्जन DDIS, देख सकते हैं इसका इंजन। कुछ इस कार का जो हम लोग करने वाले टाइमिंग बेल्ट चेंज, टाइमिंग चेंज रिप्लेस। ये सुजुकी स्विफ्ट VDI, इस कार का आज हम लोग करने वाले है टाइमिंग चेंज रिप्लेस। तो इसका सबसे पहले हम लोग इसका किलोमीटर शो करा देते हैं आपको कि ऑन करते हैं। तो इसका किलोमीटर ये कार चल चुकी है, देख सकते हैं 214,213 किलोमीटर चल चुकी है कार। इसका पहला भी टाइमिंग चेंज रिप्लेस हो चुका है। कंपनी का शेड्यूल है इसका 100,000 किलोमीटर पे इसका टाइमिंग चेंज रिप्लेस होना चाहिए, ये कंपनी का शेड्यूल है। इस हिसाब से हम लोग अभी इसका टाइमिंग चेंज रिप्लेस कर रहे हैं। तो कार को पहले हम लोग स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं कार हो चुकी है स्टार्ट, तो आपको आगे से इसका इंजन दिखाते हैं। इंजन जरा माउंट आ रही है, इंजन स्टार्ट है अभी, तो खोलते हैं अभी टाइमिंग चेंज। ओके, तो कार है सुजुकी स्विफ्ट GDIS 1.3 लीटर डीजल इंजन, तो इसके चलते सिग्नल पूरी। इसका टाइमिंग चेंज करने के लिए इसका टाइमिंग कवर, इसकी जो माउंटिंग, इसका वी बेल्ट, इसके मेन खुली, ओके, ये सब कुछ खोलना पड़ता है। नीचे से इसका ऑयल पम्प खोलना पड़ता है, तो सभी पार्ट से खोलते हैं और उसको दिखाते हैं उसकी ओल्ड टाइमिंग चेंज और न्यू टाइमिंग चेंज, हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। तो शुरू करते हैं इसका खोलने के लिए टाइमिंग चेंज। ओके, ये कार है सुजुकी स्विफ्ट DDIS डीजल इंजन। शुरू करते हैं इसका वर्क, देख सकते इसकी पूरी फिटमेंट खोल चुके हैं हम लोग। ये देख सकते हैं टाइमिंग टेंशनर का एडजस्टर, ये ऑटो टेंशनर कितना बाहर निकल चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ से आपको दिखा रहा है कितना बाहर निकल चुका है, यानी इसकी टाइमिंग का जो चेन है इसका चेन का टेंशन बढ़ चुका है, तो इसको रिप्लेस करना होगा अभी। तो खोलते हैं इस टाइमिंग चेन को, देख सकते हैं इसका टाइमिंग टेंशनर। टाइमिंग टेंशनर देखो कितना बाहर आ चुका है। ओके, ये इसकी टाइमिंग चेन, तो पूरे किट को खोलते हैं यहाँ से अभी। पुरानी टाइमिंग चेन है, खोलते हैं, देख सकते हैं पुरानी टाइमिंग चेन, ये इसकी टाइमिंग चेन पुरानी। ओके, ये इसका नीचे वाला स्पॉकेट, ये इसका ऊपर वाला स्पॉकेट, ये इसका टाइम चेन टेंशन गाइड, ये दूसरा गाइड, और ये ऑटो टेंशनर, ये सब पुराने पार्ट। ओके, ये हम लोग ने इसमें कार में से निकाले ले पार्ट, अभी हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे न्यू जूनियन पार्ट्स, सुजुकी जूनियन पार्ट के साथ SGP। तो देख सकते हैं इसकी टाइमिंग और पैकिंग, ये इसकी चेन जूनियन SGP। ओके, ये गाइड, ये दूसरा वाला एक चेन गाइड, ये इसकी मेन ऑयल सील। ओके, मारुति सुजुकी जूनियन पार्ट, ये इसका ऑटो टेंशनर, देख सकते हैं इसका ऑटो टेंशनर। ओके, ये नीचे वाला स्पॉकेट और ये ऊपर वाला स्पॉकेट, सभी जूनियन पार्ट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देख सकते हैं मारुति सुजुकी जूनियन पार्ट्स,
तो करते अभी कार को, कार में फिटिंग इसको। ओके, पहले तो हम लोग उस एरिया को अच्छे से क्लीन करके देते। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। देखो कितना क्लीन कर चुके हैं इसको। ओके, तो अभी करते हैं इसमें टाइमिंग चेन फिटिंग। फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग अभी इसका टाइमिंग चेन इंस्टॉल कर चुके हैं। इसकी ऊपर वाली सॉकेट, ये टाइमिंग चेन, ये दोनों इसके टाइमिंग रेल, पूरा पूरा फिट फिटिंग कर चुके हैं। अभी दिखाते हैं इसके ऑटो टेंशनर के एडजस्टर को फिल करते। देखो पहले वाला इसका टेंशनर था वो यहाँ पे था, इतना आया था। अभी देखो इसके लेवल में है। ओके, देखो इसका टेंशनर बिल्कुल लेवल में है। देखो यहाँ से इतना इसका लेवल है। देखो, और पहले यहाँ तक रहा, उसमें प्रॉब्लम था, टाइमिंग चेन इसकी फेल गई थी। तो उसके लिए इसका टाइमिंग चेन पूरा किट डाल चुके हैं हम लोग। देख सकते हैं नीचे से ऊपर से। ओके, हाँ इसका टाइमिंग भी आपको शो करा देते हैं एक बार। वहाँ से इसका टाइमिंग हम लोग कैम लॉक कर चुके हैं ऊपर से, ये फ्रंट साइड, यहाँ से रियर साइड। दिखता है आपको? ओके, ये है इसका क्रैंक का टाइमिंग। एलएमटी की हेल्प से हम लोग लॉक कर चुके हैं यहाँ से। देखो दिखता है आपको यहाँ से? आयो तो देखो यहाँ से इसका फ्लाईव्हील लॉक कर चुके हैं हम लोग। ये इसका टाइमिंग। ओके, अभी करते हैं आगे की फिटिंग पूरी। इसका टाइमिंग कवर वगैरह लगा देते हैं, इसका वाटर पंप वगैरह, इसकी पैकिंग न्यू लगा के, जितने भी इसकी फिटिंग है, इसका मेन पुली, इसका वी बेल्ट, इसका ऑटो टेंशनर, फैन बेल्ट का, वो सब लगाते हैं। पूरी कंप्लीट कार करके हम लोग आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं आगे की प्रोसेस। फ्रेंड्स, फाइनली कार की पूरी फिटिंग हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ से आप तो इसका टाइमिंग कर वगैरह, इसका इंजन माउंटिंग वगैरह हम लोग लगा चुके हैं यहाँ से। ओके, इसके ये इनलेट टर्बो के पाइप वगैरह लगा चुके हैं। इसका इंजन ऑयल फिल्टर भी हम लोग चेंज कर चुके हैं। अभी इसकी पूरी फिटिंग कर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ से इसका वी बेल्ट न्यू डाल चुके हैं हम लोग। ओके, आपको नीचे से भी शो करा देते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं यहाँ से इसका वी बेल्ट, इसका ऑयल सम यानी चेंबर। ओके, पूरी फिटिंग कर चुके हैं यहाँ से हम लोग। देख सकते हैं इसका वी बेल्ट न्यू डाल चुके हैं हम लोग। कार कंप्लीट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे हम लोग इसमें कूलेंट ऑयल वगैरह, कूलेंट वाटर वगैरह फिल कर चुके हैं। तो कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है कार की। कार को करते हैं अभी स्टार्ट, चलते हैं अंदर। कार की की ऑन करते हैं कार की। ओके, देख सकते हैं कार को चेक करते हैं न्यूट्रल पोजीशन में है कि नहीं। ओके, कार को कर चुके हैं न्यूट्रल, कार को लगा दे सेल्फ। देख सकते हैं दोस्तों कार एक सेल्फ में स्टार्ट हो चुकी है। अभी कार का इंजन देख सकते हैं, आगे से इसके साउंड सुन सकते हैं अपन, इंजन साउंड यहाँ से देख सकते हैं इसका साउंड कार का। देखो कार का कितना मधुर आवाज है। देखो कार एकदम डन। कार की सुजुकी स्विफ्ट डीजल वर्जन 1.3
दोस्तों ये कार का वर्क कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बोलिए। कार का कंप्लीट वर्क हो चुका है कंप्लीट। कार अभी स्टार्ट है देख सकते आप। कार की आवाज़ सुन सकते हैं। साथ ही साथ इस कार का हम लोग इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस कर चुके हैं। इसमें कूलेंट ऑयल भी कूलेंट वाटर भी हम लोग न्यू फिल्टर कर चुके हैं। ओके इसको कम से कम आधा घंटा तक हम लोग इसको स्टार्ट रखेंगे, उसके बाद में इसका लीकेज वगैरह टेस्ट करेंगे और इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे। ओके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले जय हिंद। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं टेस्ट ड्राइव पे, देख सकते हैं अभी हम लोग हाईवे पे हैं, देख सकते हैं। इस कार का हम लोग ने किया था टाइमिंग चेंज रिप्लेस असेंबली, पूरा किट रिप्लेस कर चुके थे। कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से इस कार का कंपनी का शेड्यूल से 1,00,000 किलोमीटर पे इसका टाइमिंग चेंज रिप्लेस होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग ने इसका सेकंड टाइम इसका हम लोग टाइमिंग चेंज रिप्लेस कर चुके हैं। अभी हम लोग हाईवे पे टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं इसका। इस कार का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। पिकअप में एकदम सडनली पिकअप लेती है, देख सकते हैं कार। अभी हम लोग एक्सीलेटर दबा चुके हैं, देखो सडनली पिकअप ले रही है कार में। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में कोई भी MIM लैम्प चेक लैम्प किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। कार एकदम परफेक्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। हाईवे पे है अभी हम लोग, इसका कम से कम हम लोग 4 से 5 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव लेंगे। ओके दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।